गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखते हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज टॉपिक पढ़ेंगे विश्व बैंक का प्रबंध संकट। मतलब कुछ विश्व बैंक है, आपके पास जितने भी वीडियो आप तक पहुंचते जा रहे हैं उनको पढ़ करके अपनी पढ़ाई क्लियर करिए, एग्जाम आने को है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि विश्व बैंक का प्रबंधन, मतलब आपको बता दिया था विश्व बैंक के जो उद्देश्य कार्यक्रम उसमें बता दिया था कि IMF के साथ कम से कम 1945-44 के समथिंग क्या होती इसकी स्थापना हो चुकी है। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की ज्यादा परेशानियों के साथ जूझते हुए हमारे भारत देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय में कई की योजना बनाई गई है, क्या किया जाए पैसे को बचाने के, कैसे लोगों को हेल्प किया जाए। तो उसके साथ साथ जैसे कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई है, उसी के साथ साथ विश्व बैंक की भी स्थापना कर दी गई थी ताकि उसमें हमेशा हर प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड होती रहे। इसी के बारे में जानने के लिए अपन देखेंगे आज तो संगठन कैसा है, कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का क्या क्या काम होता है, उन सदस्यों को देख करके समझते हैं। आज को टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं विश्व बैंक के प्रबंध एवं संगठन के 6 करोड़ का अंग होते हैं। कितने होते हैं अपने 6 अंग होते हैं, लिखा सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंग आपके लिए बता रहे हैं। इसमें पहला अंग है गवर्नमेंट, जैसे कि अपना भारत का जो बैंक है बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें भी एक गवर्नर होता है। इसी प्रकार से हमारे जो विश्व का बैंक है विश्व बैंक, इस बैंक में भी एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होते हैं 5-10 होते हैं, जिनमें एक जो इस बैंक का प्रतिनिधि सभा का सबसे पहला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं गवर्नर होते हैं। इसमें होते हैं 5 सदस्य, इसमें एक इसमें मोस्ट होता है लेकिन 4 उसके सहायक, एक स्थापना एक 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 गवर्नर एक एक स्थापना पत्र गवर्नर होते हैं, जो प्रकार के जो सहमति पत्र आते हैं बैंक में वो सबको समझते हैं और गवर्नर को नियुक्त द्वारा देते हैं। ये होती है गवर्नर मंडल में जो सदस्य होते हैं 5 सदस्य होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, आगे भी इनको द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है इस बैंक इस तरीके से पत्र। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा अपने गवर्नर मंडल में 5 वर्ष होते हैं, इन्हें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये 4 गवर्नर होते हैं। तो नीचे वाले गवर्नर वो फर्स्ट जो गवर्नर होता है उसको क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट वगैरह देते हैं पढ़ समझ करके क्या बैंक में क्या करना है किस तरीके से, तो क्या करते हैं भाई गवर्नर गवर्नर को सूचित करते हैं। ठीक है, तो सदस्य होते हैं 5 गवर्नर, मतलब 5 सदस्य होते हैं गवर्नर मंडल में। दूसरा आता है प्रबंध संचालक मंडल, प्रबंध संचालक मंडल, प्रबंध संचालक मंडल, इसमें 24 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं 24 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यों को सर्वाधिक कोटा वाले से लेते हैं, बाकी 19 को हम निर्वाचन नियुक्ति द्वारा 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन की जाती है 2 वर्ष में उनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें होते हैं 24 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 पहले कोटा से ले जाते हैं, जो 19 है वो निर्वाचन द्वारा ले जाते हैं। इनकी नियुक्ति टोटल 2 वर्ष के लिए होती है, कार्यकाल होता है 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है प्रबंध संचालक मंडल में। गवर्नर के 5 सदस्य होते हैं, वो प्रबंध संचालक मंडली को मंडल को सूचित करते हैं कि इस तरीके से आपको व्यवस्था मिला करके काम करना है। तो जो 5 होते हैं वे 19 को मिलाकर के ऑटोमेटिक अपने अपने बोर्ड में बात करके काम स्टार्ट कर देते हैं। कौन से विश्व बैंक के जितने भी काम की जो काम होते हैं सलाहकार वगैरह होते हैं इन कामों को भी डिवाइड करके आगे को काम को बढ़ाते हैं। समझ नहीं बात है, प्रबंधक मंडल संचालक में कहना 24 सदस्य होते हैं, 5 उन्हें कोटा से ले जाते हैं और 19 को निर्वाचित किया जाता है, मतलब कि प्रथम कोटा से उसको भर्ती की जाती है, 19 को क्या करते हैं निर्वाचित करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे की आते हैं नंबर 3 है सलाहकार समूह, जिसको बोलते हैं एडवाइजर ग्रुप बोल देते हैं। मतलब इस तरीके से जो मतलब की सलाह दे जो विश्व बैंक के गवर्नर है उनके लिए सलाह दे, तो समिति में क्या होता है इसमें 7 सदस्यों को भर्ती करते हैं। कितने होते हैं 7 सदस्य होते हैं, ये अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, कोई कृषि क्षेत्र से होता है, कोई व्यापार क्षेत्र से होता है, कोई इंडस्ट्री क्षेत्र, तो क्षेत्रों को वे क्या करते हैं अपने अपने क्षेत्रों की सलाह देते हैं, कृषि में किस तरीके की क्या करना चाहिए, उद्योग में क्या करना चाहिए,
बैंकों को ऋण कैसे देना चाहिए, विदेशों में ऋण कैसे तरीके देना चाहिए, तो क्या होता है सात सदस्य होते हैं ये सलाहकार समिति के होते हैं। ये क्या करते हैं विश्व बैंक के गवर्नर होते हैं, उनके जो ऊपर के डिप्टी गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं सलाह देते हैं कि आपको इस क्षेत्र में इस तरीके से काम करना चाहिए, इस क्षेत्र में इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि मैं इस तरह का मेरे को प्रॉफिट या लाभ प्राप्त हो। तो क्या लिखा है सलाहकार समिति के सात सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी 2 वर्ष के लिए की जाती है, सभी प्रकार के और निर्वाचन योग्य इनकी क्या करती है नियुक्ति की जाती है सदस्य। ठीक है समझ में आ रहा हूं, आगे देखते हैं। नंबर 4 में ऋण समिति क्या होती है, ऋण समितियां, ऋण समितियां में कई प्रकार के समय समय पर आर्थिक प्रार्थना पत्र शामिल होते हैं। जैसे कि किसी बैंक को ऋण चाहिए तो अपना प्रार्थना पत्र शामिल करता है विश्व बैंक में कि मेरे को इतने रुपए का मेरे को ऋण चाहिए है तो क्या आपके बैंक में इतना ऋण मेरे को मिल सकता है। तो क्या होते हैं ऋणों को ऋण समितियां होती है और प्रार्थना पत्रों को पढ़ती है कि किसको कितना ऋण चाहिए, किस तरीके कितने किन दिन तक जमा करेगी, तो ऋणों को पढ़ती है, पढ़ करके वो समितियों को ड्राइव करती है कि वो कृषि क्षेत्र पर ऋण चाहिए कि इंडस्ट्री क्षेत्र पर ऋण चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र पर, किसी प्रकार की महामारी को खत्म करने के लिए है पैसे की आवश्यकता है कुछ कुछ वैक्सीन बनाने के लिए। तो क्या है ऋण समितियां होती हैं तो वे ऋणों को एक प्रार्थना पत्र आते हैं उनको पढ़ करके समझ करके उनको डिवाइड करती है अलग टाइप की बात करके किसको कितना ऋण देना है, क्या करती है वो विश्व बैंक को समझा देती है कि किसको कितना ऋण देना है। तो क्या होती है ऋण समितियां भी होती है, ऋण समितियों में क्या होते हैं सदस्य बनते रहते हैं मिटते रहते हैं क्योंकि समितियों में क्या होता है वो बांटने का काम करती है किस तरीके से आपको बनाना है। आगे आते हैं नंबर 5 है ये होता है अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है जो क्या करता है बैंकों के जो संचालक नियम होते हैं निर्देश होते हैं उस अध्यक्ष का काम होता है कि सभी जो बैंकर्स काम करने वाले कर्मचारी हैं सभी को उसकी देखभाल करना होता है, उनके लिए एक तमाम निर्देश बनाए जाते हैं, उनको टाइम टाइम पर निर्देश को देना का हाँ आज निर्देश निकला है इसका पालन आपके लिए करना है, यह निर्देश निकला है इस तरीके का पालन आपके लिए करना है। तो क्या होता है अध्यक्ष का काम होता है कि जितने भी बैंक में कर्मचारी लगे रहते हैं उन कर्मचारियों को कितना वेतन क्या देना है किस तरीके से उनका सारा मेंटेन देखभाल क्या होता है अध्यक्ष का काम होता है। आगे आते हैं कर्मचारी गण होते हैं, कर्मचारी गणों की संख्या पहले बहुत हुआ करती थी आगे तल के 3120 अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है 3120-40 समथिंग हो चुकी है। तो कर्मचारी गण क्या होते हैं जो विश्व बैंक में जो काम करते हैं कर्मचारी गण उन सब का क्या करती है देखा करती है ये बैंक करती है, तो ये बैंक इन सभी 6 मंडलों से मिलाकर के प्रबंध मंडल या संगठन